विराट कोहली फैन एमएस धोनी, विराट कोहली फैन लाइक करो, एमएस धोनी के फैन सब्सक्राइब करो, लेट्स सी कौन जीतता है। तो गाइस जिस तरीके की वीडियो आपने शुरुआत में देखी, इस तरीके की वीडियो अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चली है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप जहां कहीं भी देखेंगे इस तरीके की वीडियो पर आपको मिलियंस में व्यूज दिखेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाते और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो आपके करोड़ों में व्यूज आने वाले और लाखों में आप इनकम करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लोग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा चलती है। लेकिन आप जब इस तरीके की वीडियो देखते हो तो आपको लगता है इस तरीके की वीडियो मुझसे नहीं बनेगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप इस तरीके की वीडियो बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं और YouTube, Instagram, Facebook पर अपलोड करके लाखों की इनकम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में फैक्ट का और कहानी वाला इस तरीके का शॉर्ट वीडियो का क्रेज अभी के टाइम में नहीं चल रहा है, और अभी के टाइम में इस तरीके का वीडियो अगर आप क्रिएट करते हैं, वर्सेस वाली वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके करोड़ों में व्यूज आने वाले हैं और आपका चैनल इजीली मोनेटाइज होने वाला है, क्योंकि ये कंटेंट आपका होने वाला है। और इसी के साथ आपको ऐसे मटेरियल भी दूंगा, पहली बात आपको स्क्रिप्ट दूंगा, कहां से आपको वीडियो लेना है, किस तरीके से आपको बोलना है, किस तरीके से वीडियो क्रिएट करना है, तो स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगी। सेकंड बात, इसमें जो मटेरियल यूज होगा जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक और जो भी होगा इफेक्ट होगा और जो भी बैकग्राउंड में वीडियो यूज होगा, जो भी PNGs होगी, वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगी। कहां मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो इजीली आप इस तरीके का कंटेंट बना सकते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर अपलोड करके लाखों की इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हैं और YouTube पर अपलोड करके लाखों की इनकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप वर्सेस वाली वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए काइन मास्टर, जो भी विदाउट वॉचमार्क, अगर आपको विदाउट वॉचमार्क काइन मास्टर है नहीं आपके पास तो नीचे टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए, उस पर आपको सारे मटेरियल भी मैं दे दूंगा, वो भी डाउनलोड कर लीजिए, और सबसे ऊपर में आपको विदाउट वॉचमार्क काइन मास्टर मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भाई से जुड़ जरूर से जाइएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं और ऐसी PNG वीडियोस में यहां पर देता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और मैं चलता हूं काइन मास्टर के अंदर और आपको मैं ऐसी वीडियो बनाना, क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ऐसी वीडियो दोस्तों यहां पर आपको मिलती है और आगे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको आना है काइन मास्टर में, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और 1:1 ये वाले फ्रेम आपको सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देने। अब आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो जो वीडियो मैंने आपको डाउनलोड करने का बोला था ना, वो वीडियो आपको डाउनलोड करना है, और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो घूमते हैं ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो बैकग्राउंड में घूमते हैं ना, इस तरीके की वीडियो आपको डाउनलोड करना है, और ये वीडियो है 9 सेकेंड की। और इससे आगे अगर आप इसी वीडियो को रखना चाहते हो, 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे जैसे ही ना ऊपर वाले पे, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी और आगे भी चली जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले पैन एंड जूम पे क्लिक करके इसको इस तरीके से पूरा जूम कर लेना है, जैसे हमारी 1:1 में फ्रेम है, इस तरीके से जूम कर लेना है पूरा और यहाँ पर लॉक कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, एक और ऐड करूँगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं एक और ऐड करूँगा जो कि कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार की मैं एक और ऐड करूँगा, इसको भी जूम एंड पैन करके पूरा 1:1 में पूरा इसको जूम कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा जूम कर देना है और लेयर पे जाके इसको फिर वे लॉक कर देना है, ठीक है, इस पर लॉक कर देना है। अब देखो ये जो हो गई हमारी 20 सेकेंड की, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे 20 सेकंड की ही वीडियो बनानी मान लीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बनानी है तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा वीडियो डाउनलोड कर लेना या सेम से वीडियो से भी आप बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और सबसे नीचे आपको जो बेसिक इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको ये गॉसियन ब्लर, ये इस नाम का एक ब्लर इफेक्ट है, इस पर क्लिक करना है और ये इफेक्ट आपके आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है, इसको इस प्रकार से बड़ा कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको 10 कर देना है, उसको सेचुरेशन जो है इसका 10 कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको पूरी तरह जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक इस तरह से लेकर के आ जाना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा इस वीडियो को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक करना है और फुल HD के अंदर आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। गाइस वीडियो हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर पीछे जाना है और फिर से पीछे जाना है। अब क्या करना है, आपको फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और आपको ये वाला यहाँ पर जो है रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, राइन रेशियो 60, ये वाला आपको सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करना है और जो वीडियो हमने काइन मास्टर से डाउनलोड की है उस पर क्लिक करके वो वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
अब वो वीडियो हमने सेलेक्ट कर लिया, वो कुछ इस प्रकार से हमारी वीडियो आई है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा इसको यहाँ पर जूम कर लेना है। अब क्या करना है, अब भाई हमें PNG ऐड करनी है। उससे पहले जिससे भी आप रिलेटेड यहाँ पर रखना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ भाई विराट वर्सेस धोनी, ठीक है। यहाँ पर आपको लेयर पे जाके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है विराट, इतना ही लिखना है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके कोई सा भी यहाँ पर आप फॉन्ट रख सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको इस प्रकार से यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। इतना इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से लेकर के जाना है, ठीक है। अब ये आप लेकर के आ गए। अब यहाँ पर आपको एक वर्सेस वाला रखना है, उससे पहले धोनी का यहाँ पर लिख देते हैं। टेक्स्ट वाले ऑप्शन जाने के बाद यही होगा धोनी, इस प्रकार से हमें ये इतना इस प्रकार से हमें इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अब वो एक बीच में होता है गाइस वर्सेस लिखा हुआ, वो कहाँ पर मिलेगा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और वो भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो कि इस प्रकार से है हमारा ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर क्रोमा की एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल कर दी, वापस से पीछे जाना है और इस पर क्लिक करके इसके दोनों बीच में हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों के बीच में आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से आपको इसको बीच में सेट कर देना है, ठीक है। अब कर दिया, अब क्या करना है, एक बीच में जो डंडी होती है ना गाइज, वो यहाँ पर आपको लेकर के आने हैं। वो आपको बनानी पड़ेगी खुद से। कैसे बनानी है, वो बनेगी आपकी पिक्सल एप्लीकेशन से, जिसे आप थंबनेल बनाते हो ना भाई, बनाते हो, उससे बनेगी। जैसे कि हमें पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर हमें दिख जाएगी पिक्सल एप्लीकेशन, दिख गई। इस पर क्लिक करना है, इस पर आना है आपको इस प्रकार से, इस पर प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको इस प्रकार से आपको लेकर के शेप्स को आ जाना है, ठीक है, कुछ इतना इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से बड़ा कर देना है। अब इस शेप्स का आप जो भी यहाँ पर रखना चाहते हो कलर, वो कलर यहाँ पर आप रख देना, ठीक है। जैसे कि शेप्स का मैं यहाँ पर कलर रखना चाहता हूँ येलो, तो कलर वाला ऑप्शन जाना है, इनेबल करना है, येलो रख देना है, ठीक है। अब येलो रखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पीछे जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, प्लस वाला ऑप्शन ऑप्शन में यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और सेव इमेज, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आई में आपको क्लिक करके शेयर सेव कर देना है, ठीक है। अब इस पर ये सेव होने के बाद आपको पीछे जाना है, लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, जो हमने डाउनलोड किया पिक्सल ऐप एप्लीकेशन से, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है और कुछ इस प्रकार से उसको यहाँ पर रखनी है। इसमें रख दिया। अब एक वो बॉक्सिंग वाला आता है, वो कहाँ मिलेगा भाई, हमें वो बताओ। इसको जो भी आप रख रहे हो इसको फुल एंड तक लेकर जाना है, जितनी आपकी वीडियो है, ठीक है। जो भी यहाँ पर आप इमेज यूज़ कर रहे हो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वो बॉक्सिंग वाला, इस पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और बॉक्सिंग वाला मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा ये, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, क्रोमा की पे जाके इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ तक नहीं आ रहे, ये ऐसे इसको यहाँ पर जूम कर देना है गाइस, ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर जूम कर देना है, ठीक है। और अब देखते हैं कैसा हो रहा है, ये देखो कुछ इस प्रकार से हो गया, और पीछे वाला भाग को यहाँ पर कट कर देना है गाइस, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर वो आवाज़ आती है गाइस, और एक वो यहाँ पर इस प्रकार से होता है भाई, एकदम वो कुछ आवाज़ आती है और एकदम ऊपर कोई आग जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर स्टिकर पर जाना है, लेयर पर क्लिक करके स्टिकर पर जाना है, और एक आपको स्टिकर यहाँ पर फायर पावर वाला स्टिकर आपको यहाँ पर डाउनलोड करके रखना है, ये वाला डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको ये वाला स्टिकर जो है, ये वाला यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है, ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करोगे ये इस प्रकार से आ जाएगा, और इसको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको यहाँ पर ऊपर कर देना है गाइस, कुछ इस प्रकार से, और इसको ऊपर ले करके चले जाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अभी आप ले करके आए, और अब यहाँ पर आपको एक जो बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है वो भी यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला है भाई शॉर्ट साउंड इफेक्ट, ये वाला है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये इतना आपको रखना है, और बाकी वाला आपको यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है, जितना यहाँ पर
आगे आगे वाले ही रखने हैं। अब मैं आपको एक बार सुना देता हूँ गाइस कैसा आया है। तो गाइस देखो कुछ इस प्रकार से गाइस हमारी जो साउंड आई है, तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे वाला जो है वो इतना कट कर देते, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन के आएगा। ये जो है गाइस आगे नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर देते, ठीक है, ताकि एक साथ हो सब। अब देखो आप देखो कुछ इस प्रकार से हमारा बन के आएगा, बहुत ही सही। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें उनकी PNG चाहिए, ठीक है, विराट कोहली की, धोनी की हमें PNG चाहिए। वो कहाँ मिलेगी, उस के लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है गाइस इमेज सर्च मैन, ये वाली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आपको आना है और आपको सिर्फ यहाँ पर क्या सर्च करना है, विराट कोहली कार्टून PNG। आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये बहुत सारी PNG आ जाएगी, ये आपको डाउनलोड करना है। इस पर आपको क्लिक करना है कोई सी PNG पर, मान लीजिए आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिख रहा है, इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी किसी की भी PNG आपको अगर यूज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धोनी कार्टून इमेज, ठीक है। जैसे ही सर्च करोगे और यहाँ पर एंड में PNG ज़रूर से लिख देना, ताकि आपको यहाँ पर PNG मिल जाए, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपके सामने ये वाली आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं वापस से अपने काइनमास्टर में, और मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है पहले से ही। तो ये देखो यहीं से आपको यहाँ पर पीछे आना है और यहीं से भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, मीडिया पर जाना है। और मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मैं रख देता हूँ भाई विराट कोहली की, ठीक है, ये वाली। और इस पर क्लिक करके ये वाली मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इतनी मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर रख लेता हूँ गाइस। और फिर से यहाँ पर लेयर पे जाता हूँ, और लेयर पे जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर धोनी की ले लेता हूँ, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। और ये वाले इस प्रकार से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये वाले मैंने ले लिए गाइस। और इसको वापस से इनके साथ ऐसे हमें रख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये हमारी सही से हो गई है, अब इसको यहाँ पर एंड तक रखते जा रहे हैं गाइस, ठीक है गाइस। अब इतना करने के बाद आपको लाइक और सब्सक्राइब वाली PNG ऐड करनी है, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करो बोलोगी तो भाई वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी। तो वो बोलते हैं ना विराट कोहली के फैन लाइक करो और धोनी के फैन सब्सक्राइब करो, तो वो आपको कैसे लेना है, सबसे पहले जहाँ पर आपकी ये बॉक्सिंग वाली खत्म हो रही है, देखो ये जो हमारी खत्म हो गई है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, और सबसे पहले मीडिया पे जाना है, और अब यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन जाना है, ये भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक का बोलने के लिए ये वाला लाइक वाले PNG आपको यहाँ पर जो है भाई ऐड करनी है, ठीक है, लाइक वाली PNG आपको यहाँ पर सबसे पहले ऐड करनी है, जैसे कि विराट कोहली को फैन यहाँ पर लाइक करो। तो ये वाला आपको यहाँ पर एनिमेशन पर जाके ये वाला इस प्रकार से एनिमेशन आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई धोनी के फैन सब्सक्राइब करो, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जाना है आपको, और ये वाले आपके यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। तो इस ये वाले भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है, और थोड़ा अलग अलग आपको रखना है इस प्रकार से, ठीक है। और इस लाइन से आपको कुछ उधर ही रखना है गाइस, क्योंकि एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, तो एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका भी एनिमेशन यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले लाइक का बोलना है, उसके बाद सब्सक्राइब का थोड़ा आगे रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई देखो विराट कोहली के फैन लाइक करो और धोनी के फैन सब्सक्राइब करो, कुछ इस प्रकार से। और इसको यहाँ पर इस प्रकार से राइट कर देना है, ज़्यादा हमें नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे आगे चलते रहना है, जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 और यहाँ पर आपको 00 लिखना है सबसे पहले, तो दोनों का 0 स्कोर है। तो यहाँ पर देखो इस पर भी 0 और 0 के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख लेना है। और इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, 0 को रख के कलर ही आपको यहाँ पर येलो रख लेता हूँ मैं कलर, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। अभी तक स्कोर 0 है, स्कोर 0, तो इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट करके इसका भी यहाँ पर स्कोर यहाँ पर इस प्रकार से लेकर के आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कोर हम दोनों का 0 है, तो देखो 0 है दोनों का स्कोर। चलो अब यहाँ पर स्कोर हमारा 0 है, लेकिन मान लीजिए आगे जाकर भाई स्कोर हो गया अपना धोनी का 1, ठीक है, धोनी का 1 हो गया, और यहाँ तक धोनी का 0 है, लेकिन यहाँ तक इस पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। और यहाँ पर आपको धोनी का एडिट वाला ऑप्शन जाके धोनी का भाई कर देना है 1, ठीक है, 1 कर देना है। अब 1 धोनी का हो गया है, तो देखो आगे अपने आप जाएगा, और अपने आप जाने के बाद ये अपना धोनी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए धोनी का आगे जाकर वापस से 2 हो चुके, तो स्प्लिट पे क्लिक करना है,
और वापस इस पर क्लिक करने के बाद एडिट वाला ऑप्शन जाना है और इसका यहाँ पर धोने का दो कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से तो धोनी का अपने आप यहाँ पर जाने के बाद धोनी का अपने आप दो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और यहाँ पर विराट कोहली का भी एक होता है, तो आगे जाकर विराट कोहली का इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद विराट कोहली का भाई एक हो जाएगा, तो यहाँ पर विराट कोहली का भाई इस पर क्लिक करके एडिट पर करना है और यहाँ पर विराट कोहली का भाई एक हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे जाकर विनर कौन बनता है इस आगे ऐसे ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आगे जाकर विनर बन चुके हैं हमारे भाई विराट कोहली, ठीक है। इस प्रकार से और तो आपको क्या करना है भाई, इस इधर साइड क्या करना है आपको, इनको कट कर देना है, ठीक है, राइट कर देना है इनको भाई धोनी को, और इस पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट कर देना है यहाँ पर। और अब मान लीजिए यहाँ पर विराट कोहली विनर बन चुका है, तो विराट कोहली कुछ इस प्रकार से लेकर के आना है और यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक PNG आपको यहाँ पर ऐड करने बताता हूँ, द विनर इज़ विराट कोहली, तो यहाँ पर करेंगे तो एकदम बच्चे यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ये देखो ये वाला एक आपको यहाँ पर डाउनलोड करके रखना है, जैसे कि देखो ये यहाँ पर थोड़ा आगे लेकर के जाना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है और इसकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो हटा देनी है, ठीक है, क्रोमा की करके। देखो अब यहाँ तक ऐसे, ठीक है, राइट कर देना है, इसको हटा देना है, द विनर इज विराट कोहली इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, देखो अब यहाँ पर आगे चलते जाएगा और यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा आएगा विराट पर जीतेंगे तो इस प्रकार से आपको बना जाना और पीछे से यहाँ पर एक जो भी लिखा है आपने ये जो है इसको कट कर देना है इस प्रकार से बैकग्राउंड म्यूजिक को, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखते जाना है। तो ये जो भी PNG ऐड हुई है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके वॉइस ओवर करना है, ठीक है। और वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट आपको नीचे मिल जाएगी कैसे क्या बोल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। और इसको इस प्रकार से करके यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। गाइज कुछ इस तरीके से आप वर्सेस वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए उन भाई को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, टाटा बाय।